समझ सकते हैं आप, पहले जो हमने लेक्चर में किया था वो किया था ये रिएक्टिविटी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, और ये हमने कंप्लीट किया था। तो इस लेक्चर में ट्राई करेंगे कि ये खत्म हो जाए सॉल्ट्स और अदर वेज ऑफ मेकिंग सॉल्ट्स, और अगर टाइम मिला तो ये भी कर लेंगे रीअरेंजिंग द एटम्स। बात समझ आई? तो यस सर। फोकस रहेगा हमारा सॉल्ट्स, बट सॉल्ट्स को शुरू करने से पहले आपको थोड़ा सा मैं एक एक जिस्ट दे देता हूँ, क्या क्या चीज़ें आपको, क्या क्या चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। और यार एक आपको बात याद रखनी पड़ेगी, कंपाउंड के नाम आपके क्लियर होने चाहिए। सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है NaCl, कोई डाउट? नो डाउट सर। ये जो हम यार ये जो हम कॉमन सॉल्ट है ना, जो किचन में आप आपके लिविंग रूम में डाइनिंग टेबल पे जो सॉल्ट पड़ा है उसको बोला जाता है कॉमन सॉल्ट। बात समझ आई? तो जो सॉल्ट है, सॉल्ट्स की बहुत बड़ी दुनिया है, सॉल्ट्स की बहुत बड़ी दुनिया है, जिसमें एक आदमी जो है उसका नाम है NaCl। बेटा बात समझ आई? यस तो NaCl जो है उसको बोला जाता है कॉमन सॉल्ट, और इसके सिवा बहुत और सॉल्ट्स हैं, बहुत 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 और सॉल्ट्स हैं। तो इसलिए क्योंकि ये कॉमनली हम यूज़ करते हैं घर पे, इसको बोला बोल दिया जाता है कॉमन सॉल्ट। यहाँ तक क्लियर है? तो मैं आगे चलूँ, यस क्लियर। और इसका जो फॉर्मूला है वो NaCl। ओके, यहाँ तक क्लियर है? यस सर। ये है कैल्शियम सल्फेट। ये मैं जो जो आपकी बुक में लिखा हुआ है वही आपको दिखा रहा हूँ, और आपकी बुक भी आपको दिखा देता हूँ, बट मैं जो फॉर्मूला लिख रहा हूँ वो आपको क्लियर होनी चाहिए। सो फॉर एग्जाम्पल कैल्शियम सल्फेट का जो फॉर्मूला है वो है CaSO4। बेटा कोई डाउट? नो डाउट सर। एक बात याद रखिए, सल्फेट की वैलेंसी -2 होती है, कैल्शियम की वैलेंसी +2 होती है, और क्रिस क्रॉस मेथड हमने किया था वैलेंसी लिखने का। तो इसके विदाउट साइन, एक्चुअली आई शुडंट बी राइटिंग द साइन, तो साइन के बिना इसके नीचे ये 2 है, ये 2 है, क्रिस क्रॉस किया आपने, ऐसे इसको क्रिस क्रॉस किया तो सी के पैर में आ गया 2, और पूरा जो सल्फेट है, याद रखिए पूरा जो सल्फेट है उसके पैर में आ गया 2। यहाँ तक क्लियर? यस सर। अब ये वाला 2 और ये वाला 2 कैंसिल हो गया, तो इसका फॉर्मूला बन गया CaSO4। भाई समझ आया नहीं आया? समझ उसी तरह ये जैसे एल्युमिनियम सल्फेट है, एल्युमिनियम सल्फेट भी ऐसे ही बनेगा, बट वो जो वैलेंसीज हैं वो याद होनी चाहिए, नहीं या तो एटलीस्ट जो मेन वाले हैं उनकी तो वैलेंसीज आपको समझ होनी चाहिए, ताकि आप जब फॉर्मूला लिखें तो कोई आपको डाउट ना आए। एल्युमिनियम की वैलेंसी 3, सल्फेट की वैलेंसी 2, यहाँ तक कोई डाउट? क्रिस क्रॉस किया, क्रिस क्रॉस का मतलब ये होता है कि अब एल्युमिनियम के पैर में, पैर मतलब यहाँ नीचे, ये नीचे आप क्या लिख देंगे 2, और पूरा सल्फेट, याद रखिए पूरा सल्फेट ब्रैकेट डाल के, पूरे सल्फेट के पैर में नीचे 3। भाई कोई डाउट है? नो डाउट सर। अब इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए, इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए, इसको आगे कोई उल्टा सीधा काम मत कीजिए, इसको Al2S3O12 ये सब बेवकूफ़ी मत करने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं समझ आया? दिस इज द फाइनल आंसर। ओके बेटा कोई सर। डाउट? नो डाउट सर। तो मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूँ, बिकॉज सॉर्ट्स का चैप्टर है, तो ये यूजुअली बच्चों को उसका फॉर्मूला लिखने में प्रॉब्लम आ जाती है, और आगे सारे आपको ये फॉर्मूलाज ही लिखने हैं, तो इसलिए मैं थोड़ा सा जिस्ट दे रहा हूँ। बाकी एक लेक्चर में हमने डिटेल में आयनिक कंपाउंड के कैसे फॉर्मूले लिखे जाते हैं वो डिस्कस किए हैं, बट मैं एक छोटा सा आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अब जैसे मैग्नीशियम है, इसकी वैलेंसी भी +2 है, इसकी वैलेंसी -2 है, तो जब क्रिस क्रॉस मेथड यूज़ करते हैं तो विदाउट सिग्नेचर, विदाउट साइन, आई एम सॉरी, विदाउट साइन जो वैलेंसीज हैं वो पैर में लिख दी जाती हैं, और फिर वही जो वैलेंसीज हैं वो क्रिस क्रॉस कर दी जाती हैं। मतलब अभी मैग्नीशियम के पैर में, मैग्नीशियम के पैर में यहाँ से सुनिए 2 आ गया, और कार्बोनेट ऑन द होल इस पूरे के पैर में 2। अब ये वाला 2 और ये वाला 2 कैंसिल, तो फॉर्मूला बन गया मैग्नीशियम कार्बोनेट। बेटा कोई डाउट है तो रोको। नो डाउट सर। ये आपकी बुक में, मैं आपको अभी दिखाता हूँ, उन्होंने यूजेस दिए हुए, तो ये आपको पता होना चाहिए। उसी तरह कॉपर सल्फेट, अमोनियम नाइट्रेट, तो CuSO4, विदाउट अमोनियम नाइट्रेट देख लीजिए, ये अमोनियम और ये नाइट्रेट। अब अमोनियम की जो वैलेंसी है वो +1 होती है, और नाइट्रेट की जो वैलेंसी है वो -3 होती है। तो फॉर्मूला लिखने के लिए विदाउट यूजिंग द साइन मैं इसके पैर में ये 3 लिख देता हूँ, और अब क्रिस क्रॉस करता हूँ, तो अमोनियम के पैर में क्या आ गया 3, और नाइट्रेट के पैर में क्या आ गया 1। बेटा समझ आया नहीं आया? तो समझा सर। इसका फॉर्मूला, फाइनल फॉर्मूला जो लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा ऐसे, क्योंकि जो 1 है उसको हम नहीं लिखते। भाई कोई डाउट? नो डाउट सर। अब ये आपकी बुक में कहाँ लिखा हुआ है, मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ, ताकि आपको ये समझ आ जाए कि अध्यापक बोल क्या रहा है। और यूजुअली इस टॉपिक पे जो क्वेश्चंस बनते हैं वो क्वेश्चन ये बताते हैं कि यार ये सॉल्ट है, इसका कोई यूज़ बता दो, या सॉल्ट्स के यूज़ेस बता दो, या कोई आपको जो भी
सॉल्ट है उसके दो यूजेस बता दीजिए। तो ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, ये टॉपिक है, व्हाट इज द सॉल्ट। ये देखिए यहाँ लिखा है ना, दिख रहा है आपको, ये सोडियम क्लोराइड, कॉपर सल्फेट, सिल्वर नाइट्रेट। तो इसमें यहाँ पर ना इन्होंने फोटोग्राफ में ये सब बना के लिखा हुआ है, सोडियम सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट इज यूज टू प्रिजर्व फूड एंड टेबल सॉल्ट टू फ्लेवर फूड। तो इस पर क्वेश्चन बन सकता है, यूज बता दीजिए। तो इसलिए मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। ये देखिए यहाँ पर इन्होंने एक यूज़ बनाया हुआ मैग्नीशियम कार्बोनेट का, टू कीप हैंड्स ड्राई एंड नॉट टू स्लिप ऑन द अपैरेटस। अगर आप स्पोर्ट्स देखते हो तो कभी जिमनास्ट वगैरह को देखा होगा, तो वैसे एक वाइट सा पाउडर होता है जिसको यूज़ करते हैं। कैल्शियम सल्फेट इज अ सॉल्ट दैट इज यूज फॉर मेकिंग ब्लैक ब्लैक बोर्ड चॉक। आपके स्कूल्स में जो चॉक यूज़ होता है वो इससे बनता है। अब उसमें कैसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या तो पूछ सकते हैं कि एल्युमिनियम सल्फेट का बता दीजिए यूज़ क्या है, या वो आपसे ऐसे पूछ सकते हैं कि सर एक बात बताइए डाइज में कौन सा सॉल्ट यूज़ होता है। ये दोनों तरह से क्वेश्चन बन जाता है। नहीं समझ आ रहा सत्या जी? समझ फिर कॉपर सल्फेट का यहाँ पर जो आपकी बुक में यूज़ लिखा हुआ है, स्टॉप फंगी ग्रोथ, ये क्वेश्चन बन जाएगा। अमोनियम नाइट्रेट का सर यूज़ बता दीजिए। बेटा यहाँ तो कोई डाउट है? गया तो यहाँ पर एक क्वेश्चन बन जाता है, आपको बता दिया कि कैसा क्वेश्चन बनता है। ठीक है, अब इसके बाद जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है वो ये है कि हमें जो एसिड्स हैं, एसिड्स के एटलीस्ट ये जो आपके सामने तीन एसिड आपको नज़र आ रहे हैं, इसके तो फॉर्मूले आपको रटे होने चाहिए, HCl, H2SO4, HNO3। बेटा नहीं समझ में आ रहा? समझ आया। जो की चीज़ें हमें चाहिए मैं आपको फिर से बता देता हूँ, जो की रिक्वायरमेंट है बिफोर यू स्टार्ट इवन यू नो डूइंग द चैप्टर, वो क्या क्या है वो एक बार फिर से समझ लीजिए। आपको सॉल्ट्स लिखने आने चाहिए, सॉल्ट का फॉर्मूला कैसे लिखा जाता है वो आना चाहिए, और आपको जो एसिड है एटलीस्ट ये जो तीन एसिड है यू शुड रिमेंबर, क्रैम द नेम्स, क्रैम द नेम्स। सत्या जी को डाउट यहाँ तक? एक सेकेंड होल्ड कीजिए। तो सत्या ये देखिए, ये मैंने इन शॉर्ट ये वाले जो यूजेस लिखे हुए हैं सॉल्ट्स के, ये आपको याद होने चाहिए, और जो फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए। अब इसमें इसके बाद जो एसिड्स हैं, एसिड्स में आपको बता दिया कि फॉर्मूला याद होना चाहिए। अब उसमें ये जो HCl है, H2SO4 है, HNO3 है, ये तो एकदम रट लीजिए। दो और एसिड्स भी आपकी बुक में लिखे हुए हैं, वो उनका फॉर्मूला नहीं भी याद करेंगे तो चलेगा, बट एडवाइजेबल है कि जैसे कार्बोनिक एसिड है वो यूज़ होगा आपकी बुक में, आगे भी हम यूज़ करने वाले हैं, उसका फॉर्मूला होता है H2CO3। बेटा समझ आया? यस। इसके बाद एक और मैं आपको अभी बुक में दिखाता हूँ आपकी, एक और फॉर्मूला लिखा हुआ है सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड का फॉर्मूला आपके लिए ज़रूरी नहीं है, मेरी बात समझ आ गई? यस सर। क्योंकि सिट्रिक एसिड का फॉर्मूला थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ये देख रहे हैं आपको स्क्रीन दिख रही है सामने, यस सर। तो इसकी चिंता मत कीजिए। बट एक चीज़ जो सिट्रिक एसिड के बारे में बड़ी बहुत फेमस है वो ये है कि सिट्रिक एसिड इज फाउंड नेचुरली इन सिट्रस फ्रूट्स, स्पेशली लेमन एंड लाइम। बात समझ आ गई? यस सर। तो ये ना बहुत इसका सिट्रिक एसिड के यूजेस बड़े इंपॉर्टेंट हैं, और ये कि विच एसिड इज फाउंड इन लेमन एंड लाइम्स वो पता होना चाहिए कि वो सिट्रिक एसिड है, और लिखा भी हुआ है इट इज़ व्हाट गिव्स देम देयर सार टेस्ट। बात समझ आ गई? यस सर। अ मैन्युफैक्चर्ड फॉर्म ऑफ सिट्रिक एसिड इज कॉमनली यूज्ड एन एडिटिव इन फूड क्लीनिंग एजेंट्स एंड न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स। सो द पॉइंट इज, इसका फॉर्मूला मत याद कीजिए, बट इसके जो यूजेज हैं और कहाँ ये फाइंड आउट वेयर इट इज़ फाउंड आउट ये याद कर लीजिए। बात समझ आ गई? क्लियर है? यस। इसमें ना क्वेश्चन बन जाते हैं, एक दो नंबर के क्वेश्चन बन जाते हैं। और जो हम बात कर रहे थे, जो मैं अभी आपको ये क्रिस क्रॉस मेथड बताया वो ये वाला था, ये आयनिक कंपाउंड का पार्ट 1 और ये पार्ट 2। जब भी टाइम मिले आजकल, जब भी आपको टाइम मिले ये दोबारा से एक बार देख लेना, आपको समझ आ जाएगा। नहीं समझा? आपके चैप्टर का जो पहला पार्ट था वो ये वाला पार्ट था, रिएक्टिविटी का, ये भी हमने डिटेल में किया हुआ। कोई डाउट? नो डाउट। अब ये आज और कल का आपका होमवर्क है, अब टाइम है आपके पास, आज सैटरडे भी छुट्टी है, कल संडे भी छुट्टी है, यहाँ तक क्लियर? बात समझे? बात समझे? यस सर। तो नोट पैड आपको भेजा था, तो यहाँ तक हम इसको कर चुके हैं, और बुक में देख लीजिए कि बुक में फ्रॉम अ बुक पॉइंट ऑफ व्यू क्या क्या चीज़ें आएंगी। ओके, ये देखिए आपकी बुक में यहाँ से शुरू करते हैं वो एसिड्स के बारे में। तो एसिड में पहले तो आपको बता दिया कि कार्बोनिक एसिड के बारे में बात करेंगे। याद रखिए कार्बोनिक एसिड जो है वो वीक एसिड होता है। कैसे फॉर्म होता है? CO2 एंड वाटर। बहुत सिंपल है कि H2CO3 की जो फॉर्मेशन है, कार्बोनिक एसिड की जो फॉर्मेशन है वो कैसे है? H2O प्लस CO2। बेटा बात समझ आ रही नहीं आ रही? सॉल्ट्स मेड फ्रॉम कार्बोनिक एसिड्स आर कॉल्ड कार्बोनेट्स। कार्बोनेट्स मतलब जो ये वाला फॉर्मूला आपको नजर आता है ना कहीं पर भी, जैसे कि मैग्नीशियम कार्बोनेट है, ये जो CO3 है इसको बोला जाता है कार्बोनेट, और ये कार्बोनेट कहाँ से बनता है? कार्बोनिक एसिड से। बेटा कोई डाउट? नो डाउट। सिट्रिक एसिड जो है इट इज फाउंड इन फ्रूट्स, ऑरेंजेस एंड लेमन्स। सॉल्ट्स फॉर्म फ्रॉम सिट्रिक एसिड आर कॉल्ड सिट्रेट्स, और सिट्रेट्स में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो मैंने आपको बता दिया। यहाँ तो कोई डाउट? नो डाउट।
मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि इनके ये तीन के फॉर्मूले बेटा रट लीजिए, बहुत ज़रूरी। HCl से कौन से सॉल्ट बनते हैं? क्लोराइड्स, क्लोराइड्स। H2SO4 से कौन से सॉल्ट बनते हैं? सल्फेट्स, सल्फेट्स। नाइट्रिक एसिड, HNO3, नाइट्रिक एसिड, इससे क्या बनते हैं? नाइट्रेट्स। बेटा समझ आ रहा है, नहीं आ रहा? समझ आ रहा क्लोराइड लेके जाते हैं ऐसे, सल्फेट्स लेके जाते हैं ऐसे, नाइट्रेट्स लेके जाते हैं ऐसे। बेटा समझ आ रहा है, नहीं आ रहा? समझ आ रहा सर। क्योंकि ये जो चैप्टर है ना, इसमें जो सबसे बड़ी जो मुसीबत एटलीस्ट जो मैंने बच्चों में देखी है, वो है नॉमनक्लेचर। आई थिंक स्पेलिंग मेरे गलत है। नॉमनक्लेचर का मतलब नेमिंग द कंपाउंड्स, नेमिंग द कंपाउंड। एक तो बच्चों को सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है नेमिंग द कंपाउंड्स में, नाम लिखने नहीं आते। और दूसरी जो प्रॉब्लम आती है वो आती है वेलेंसीज, वेलेंसी याद नहीं होती। नहीं समझ में आया सत्या जी? समझा तो अगर आप वो दो लेक्चर अभी सैटरडे संडे को देख लोगे तो आपकी काफ़ी हेल्प हो जाएगी, नहीं तो ये चैप्टर एकदम ऐसे कंफ्यूजिंग हो जाएगा बहुत ज़्यादा। याद है? क्लियर? आगे चलो। तो HCl से बता रहे हैं कि आप क्लोराइड बना बना सकते हैं, सल्फेट, सल्फ्यूरिक एसिड से सल्फेट बना सकते हैं, नाइट्रिक एसिड से नाइट्रेट्स बना सकते हैं। और फिर उन्होंने एग्जाम्पल दिया आपको सॉल्ट का, कि जैसे क्लोराइड सॉल्ट वो कैसा होगा, NaCl। सल्फेट के जो सॉल्ट्स हैं वो कैसे होंगे, कॉपर सल्फेट। नाइट्रेट्स के जैसे सॉल्ट्स हैं वो ऐसे नजर आते हैं, पोटासियम नाइट्रेट। बेटा समझ आया? यस yes. ओके तो कहाँ तक पहुँच गए हम? यहाँ तक पहुँच गए, यहाँ तक तो इन्होंने इंट्रोडक्शन दी है। उसके बाद वो शायद आपसे बात करनी शुरू कर देते हैं मेकिंग सॉल्ट्स। तो आपकी बुक में ही मैं आपको दिखा देता हूँ कि आगे वो किस टॉपिक के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ तक हो गया हमारा, यहाँ से हमने शुरू किया व्हाट इज सॉल्ट। इससे पहले सिर्फ रिएक्टिविटी वाला काम करना है आपने, ये सब मत करना है, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये कार्बन और ये सबको। आपने जो फोकस करना है, ये देखिए यहाँ लिखा हुआ ना एक्सटेंशन मटेरियल, इसको छोड़ दीजिए। आपने जो फोकस करना है वो ये रिएक्टिविटी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, ये वाले सारे पोर्शन पे। बेटा मेरी बात समझ आ रही है, नहीं आ रही? समझा रिएक्टिविटी सीरीज आपको याद होनी चाहिए, वो आपको जो मैंने लेक्चर दिखाया था वो लेक्चर आपको दोबारा से देखना पड़ेगा। तो फर्स्ट हाफ ऑफ द चैप्टर रिएक्टिविटी क्या है वो हमारा हो गया। अभी हम सॉर्ट्स पे शुरू कर दिया, सॉर्ट्स करते करते हम पहुँच गए यहाँ पर। और इसमें देखिए आप खुद ही समझ आएंगे क्वेश्चन कैसे बन जाता है। ये देखिए एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन इसमें बन रहा है, व्हाट आर द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन सल्फ्यूरिक एसिड, व्हाट आर द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन नाइट्रिक एसिड। अगर आपको नाम ही याद नहीं होगा तो ये क्वेश्चन कैसे करोगे? नहीं समझ में आया? इसलिए नाम याद कर लीजिए, फंसोगे नहीं। इसके बाद वो बोलते हैं कि सर मेथड्स बताइए। अब ये देखिए जो मेथड्स हैं, कौन से मेथड चलेंगे, मैं एक बार आपको सिर्फ दिखा देता हूँ कैसे कैसे आपकी बुक में बेकिंग सॉल्ट्स में कैसे कैसे यूज़ होता है। तो पहले बोलते हैं कि सर आप एक काम कीजिए, एक मेटल और एसिड को ले लीजिए। डिटेल अभी हम शुरू करते हैं, मैं एक बार आपको सिर्फ एक बार जस्ट दिखा देता हूँ। तो सबसे पहला वो मेथड आपको बता रहे हैं जो मेथड वन है, मेथड वन है सबसे सिंपलेस्ट जो है। वो क्या बोल रहे हैं कि सर एक कोई भी मेटल ले लीजिए, कोई भी मेटल ले लीजिए और उसको एसिड के साथ रिएक्ट कर दीजिए। फिर दूसरा मेथड जो आपको बता रहे हैं वो ये बोल रहे हैं, मेथड टू जो बता रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि सर अगर कोई अनरिएक्टिव मेटल मिला जो रिएक्ट ही नहीं करता एसिड के साथ, कुछ मेटल्स हैं जो इतने अनरिएक्टिव है ये एसिड के साथ रिएक्ट ही नहीं करते, उनके लिए फिर आपको क्या करना पड़ेगा? मेटल को मत लीजिए, उसकी ऑक्साइड को ले लीजिए, मेटल ऑक्साइड को ले लीजिए। फिर उसमें क्या करोगे? मेटल ऑक्साइड को लोगे और एसिड के साथ रिएक्ट करोगे। ये मेथड टू है। मेथड थ्री में आप क्या करोगे? मेथड थ्री में क्या करोगे? मेटल ले लोगे और उसको रिएक्ट कर दोगे कार्बोनिक एसिड से। कार्बोनिक एसिड वही कार्बोनिक एसिड है जो हमने यहाँ पर ये देखी आपको बताया था ना, H2CO3, यस इसके साथ रिएक्ट करा दीजिए। तो मेटल कार्बोनेट लोगे, एसिड के साथ रिएक्ट करके ये बनेगा। अब ये जो मेथड है ये आपको रटने पड़ेंगे। फिर एक मेथड फोर है, सॉल्ट बाय न्यूट्रलाइजेशन। उसमें क्या करते हैं, कोई भी एसिड ले लीजिए, उसमें क्या डाल दीजिए, अल्कली। तो आपको क्या मिल जाएगा? सॉल्ट एंड वाटर। और इसी में एक और चीज़ आती है, मेटल ऑक्साइड। ये अल्कली भी इनको बोल देते हैं और इनको बेसिस भी बोल देते हैं। अब वो अल्कली और बेसिस में क्या फर्क होता है वो मैं अभी आपको लेक्चर जब ये इस पॉइंट पे आएंगे तो समझा दूंगा। मतलब पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज कि आपकी बुक में मेथड वन, मेथड टू, मेथड थ्री और मेथड फोर, ये चार मेथड लिखे हुए हैं और साथ में इनके जनरल इक्वेशंस भी लिखी हुई हैं आपकी बुक में, अभी दिखाता हूँ। याद है मेरी बात समझ आ गई? यस सर। भाई नींद तो नहीं आ रही? नो सर। हाँ, बोरिंग चैप्टर है बट करना तो है ही। ओके तो सबसे पहले देखिए कैसे बनाया जाएगा। मेथड वन जो है वो क्या, मेटल ले लीजिए और साथ में मेटल ले लीजिए और एसिड ले लीजिए। तो
अब ये जनरल, इसको बोला जाता है जनरल इक्वेशन, जनरल इक्वेशन, जनरल इक्वेशन। तो जनरल इक्वेशन में क्या होगा, ये एसिड है, मेटल है, बन जाएगा सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। तो कभी भी आप देखेंगे मेटल लिया, किस में डाल दिया, एसिड में। अब इसमें लिखा नहीं है, नहीं लिखा तो नहीं लिखा, बट आपको पता होना चाहिए कि ये जो एसिड लिया जाता है ये डाइल्यूट एसिड लिया जाता है। बेटा बात समझ आ रही, यस सर, आपकी बुक में नहीं लिखा, ठीक है, क्योंकि छोटी क्लास है तो उन्होंने नहीं लिखा, बट एटलीस्ट आपको एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि ये जो एसिड है ये डाइल्यूट एसिड है। तो जिंक लिया, मेटल एसिड में डाल दिया, तो वो बनाएगा सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। बेटा समझ आया नहीं है? सब तो फिर उन्होंने एक थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करके दिखाया कि सर जिंक ले लीजिए और जिंक में HCl डाल दीजिए तो आपको मिल जाएगा सॉल्ट और वाटर। भाई कोई डाउट? नो डाउट सर। ओके, तो जैसे अब ये क्वेश्चन कैसे बनता है, जैसे कि बोला मेटल मैग्नीशियम ले लीजिए तो मैग्नीशियम सल्फेट बनेगा, मैग्नीशियम ले लीजिए और H2SO4 डाइल्यूट, तो क्या बना देगा, मैग्नीशियम सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। भाई कोई डाउट है? नो डाउट सर। उसी तरह आयरन लेंगे, HCl डाइल्यूट ऐड कर दीजिए, तो क्या बनेगा, FeCl2 प्लस हाइड्रोजन निकलेगी। नहीं समझ में आया? समझ आया। ओके, इसमें सिर्फ आपको थोड़ा सा इसकी बैलेंसिंग करनी पड़ेगी। तो दो HCl है, दो HCl, ये दो हाइड्रोजन मिल गए, दो क्लोरीन मिल गए। ओके, अब यार एक बात याद रखिए, ये जो सोडियम होता है, सोडियम होता है ये बहुत रिएक्टिव होता है, वेरी वेरी रिएक्टिव। आपको एक वीडियो दिखाया था ना मैंने सोडियम की रिएक्टिविटी का, सोडियम को पानी में यस डाल, सर। हाँ, तो ये सोडियम वैसे ही पानी को देख के पागल हो जाता है। अगर आप इसको डाइल्यूट HCl में डाल दोगे फिर तो दिमाग खराब हो जाएगा। नहीं समझ में आया? इसीलिए उसने लिखा हुआ है कि बहुत डेंजरस है। कोई डाउट यहाँ तक? ओके, तो ये उन्होंने वो करके बताया कि ये मेथड में कैसे करते हैं, ये बेसिकली उसकी डिटेल है कि आप जिंक सल्फेट बनाना चाहते हैं तो कैसे लेंगे, जिंक कैसे लेंगे, सल्फेट कैसे लेंगे, कितना जिंक लेंगे, कितना एसिड लेंगे, तो उस हिसाब से। यहाँ तक कोई डाउट? नो डाउट सर। ओके, नेक्स्ट देख लीजिए। सेकेंड मेथड में जो सॉल्ट बनाते हैं मेटल ऑक्साइड को लेकर बनते हैं, क्यों, क्योंकि सम मेटल विल नॉट रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म सॉल्ट। तो अगर उसकी रिएक्टिविटी कम है, सो फॉर एग्जांपल सिल्वर एंड कॉपर आर टू अनरिएक्टिव टू डिस्प्लेस हाइड्रोजन, तो इसलिए क्या किया जाता है, मेटल ऑक्साइड को ले लिया जाता है और उसको रिएक्ट किया जाता है एसिड से, तो क्या बनता है फिर से, सॉल्ट एंड वाटर। बेटा को डाउट? नो डाउट सर। मेटल की ऑक्साइड का मतलब क्या हुआ, जैसे ये है कॉपर ऑक्साइड, इसमें क्या डाला, डाइल्यूट H2SO4, तो क्या मिल गया, कॉपर सल्फेट प्लस वाटर। भाई को डाउट? नो डाउट सर। ये पार्ट केमिस्ट्री का जो है इसमें रट्टा बहुत है। तो ये आपको करके उन्होंने बताया कि सर कॉपर सल्फेट बनाना होता है, कॉपर सल्फेट जो बनाना होता है तो कैसे बनता है। ओके ओके, तो ये यहाँ तक आपको दो मेथड्स बताए गए हैं, एक मेटल और एसिड और दूसरा मेटल ऑक्साइड विद एसिड। फिर आपको बता रहे हैं कि सर देर आर टू अदर वेज ऑफ मेकिंग सॉल्ट्स, एक है यूजिंग साल्ट एंड अ कार्बोनेट और फिर क्या है, साल्ट बाई यूजिंग न्यूट्रलाइजेशन। अब ये देख लीजिए, और आपको हेल्प करने के लिए इसीलिए मैं आपको पहले एक ओवरव्यू दे दिया था, हमने ये मेथड वन कर लिया, मेथड टू कर लिया, अब हम इसकी तरफ जा रहे हैं, ये मेथड थ्री, कौन सा, मेटल प्लस कार्बोनिक एसिड से कार्बोनेट बनाएंगे पहले और फिर उस कार्बोनेट को यूज करेंगे एसिड के साथ और बनाएंगे सॉल्ट वाटर प्लस CO2। वही रास्ता दिख रहा है आपको, किस रास्ते पे हम चल रहे हैं? यस सर। ओके, अब देखिए बुक पे वापस आ जाइए। तो आपको बताया जा रहा है कि सर ऐसा करो, पहले तो आप कार्बोनेट बना लो, बट कार्बोनेट कैसे बनाओगे, कार्बोनेट कैन बी फाउंड बाय रिएक्शन ऑफ मेटल विद कार्बोनिक एसिड। तो कार्बोनिक एसिड यूज करके आप कार्बोनेट बना लोगे, फिर वी कैन यूज कार्बोनेट टू फॉर्म अदर सॉल्ट बाय रिएक्टिंग देम विद एन एसिड। फिर वो जो कार्बोनेट आपने लिया उसको रिएक्ट कर दीजिए एसिड के साथ और वो क्या बना देगा, सॉल्ट वाटर एंड CO2। सत्या जी को डाउट यहाँ करें? तो इसकी जो जनरल इक्वेशन है ये जो है ये जनरल इक्वेशन है और ये मेथड थ्री है। जनरल इक्वेशन जो है वो क्या है कि सर एसिड ले लीजिए, कार्बोनेट विल गिव सॉल्ट प्लस वाटर प्लस CO2। कोई डाउट? नो डाउट सर। ओके, और फिर ये ना उन्होंने एक छोटा सा एग्जांपल दिया हुआ है, और ये एग्जांपल भी ना थोड़ा कई बार क्वेश्चन बन जाता है इसका, क्योंकि क्या होता है कि आपकी जो अगर कई बार जो स्कल्पचर जो है वो लाइमस्टोन की बनी होती है या बिल्डिंग जो है अगर वो लाइमस्टोन की बनी हुई है, तो लाइमस्टोन जो है वो किसका होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का।
और वो जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो जब एसिड रेन होती है तो उससे वो डैमेज हो जाता है। भाई मेरी बात समझ नहीं आ रही हो तो। समझ आ गया। अगर आपने कभी एक्सपेरिमेंट करना हो तो आपकी किचन में अगर आपने देखा हो मार्बल या ग्रेनाइट, आपकी किचन शेल्फ लगा हुआ है नहीं लगा हुआ, लगा उस पे ना लेमन, लेमन होता है लेमन, लेमन स्क्वीज कर दीजिए लेमन। अब क्योंकि लेमन के अंदर सिट्रिक एसिड है, वो जो सिट्रिक एसिड है वो इस मार्बल ग्रेनाइट जो कि एक्चुअल में लाइमस्टोन है इसके साथ रिएक्ट कर देगा, तो आपको ना ऐसे व्हाइट पैच नजर आएगा। कभी देख, कभी देखा मैंने? नहीं है बाबू, नहीं। तो करना लेमन ले लेना, नींबू लेके ना नींबू स्क्वीज कर देना किसी किसी भी एक पैच पे, जैसे ये शेल्फ होगी ना किसी भी एक पैच में नींबू डाल देना, थोड़ी देर बाद आप देखोगे तो वो व्हाइट हो जाएगा। वो घबराना मत, वो फिर से ठीक हो जाता है, मतलब आते जाते वो चले जाता है, हाँ सर, ओके। बट करके देखना आपको अच्छा लगेगा। तो यहाँ ये जो लिखा हुआ है इट इज डैमेज विद एसिड रेन एंड इरोड्स, ये कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। स्केल्टन्स ऑफ कोरल आर मेड फ्रॉम कैल्शियम कार्बोनेट, दे रिएक्ट विद एसिड, दिस व्हेन एसिड इज स्लाइटली डिसॉल्व। तो ये कोरल्स हैं यार, कोरल रीफ, ये भी एक बड़ा सरदर्द है। वो क्या हो रहा है, जो ओशंस हैं वो पॉल्यूटेंट्स की वजह से धीरे धीरे हो रहे हैं एसिडिक, और जब ये एसिडिक हो रहे हैं तो ये जो कोरल रीफ्स हैं ये डिजॉल्व हो रही हैं। वो कभी आप देखोगे ऑस्ट्रेलियन के आस ऑस्ट्रेलिया के आसपास बड़ी सुंदर कोरल रीफ्स हैं, अब वो क्योंकि ओशन जो हैं वो उसमें एसिड है तो उस वजह से वो डिसअपियर हो रही हैं। वही बात समझ आ रहे हैं, अपने आपसे बातें कर रहा हूँ, समझ आया था। मैं आपको दिखाता हूँ कोरल रीफ, एक सेकंड, बड़ी सुंदर नज़र आती है, 2 मिनट देना मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये आप देख पा रहे हो, इसको बोलते हैं कोरल रीफ। सत्या जी देख रहे हैं? यस सर, और ऐसे ही अगर आप, क्योंकि इस पे ना कई बार क्वेश्चन बना देता है, ऐसे ही देखेंगे ये ताजमहल है तो ताजमहल पे भी इसका बड़ा इफेक्ट पड़ता है एसिड रेन का, क्योंकि वो मार्बल से बना हुआ है। देख रहे हैं, एसिड रेन रिएक्ट विद मार्बल कैल्शियम कार्बोनेट ऑफ ताजमहल, दिस डैमेज। सत्या जी समझ आ रहा नहीं? समझ आ रहा था। तो इस पे भी ना कई बार क्वेश्चन बना देते हैं, जैसे मोस्ट ऑफली इसमें मुझे लगता है शायद क्वेश्चन बन जाएगा। तो ये स्ट्रक्चर को डैमेज हो रहा है एसिड रेन की वजह से। एक टाइम पे ये ताजमहल के आसपास काफ़ी इंडस्ट्रीज थी जो उन्होंने बंद करा दी थी जस्ट बिकॉज दे वॉन्टेड टू अवॉइड द डैमेज बिंग कॉज टू ताजमहल। भाई यहाँ तक क्लियर? यस सर, तो ये है ये वाला पोर्शन, क्या करोगे सर? मेटल कार्बोनेट लोगे, एसिड सॉल्ट प्लस वाटर बना दोगे, यहाँ तक कोई डाउट? नो डाउट। और इसमें क्वेश्चन आता है ये कोरल्स और लाइमस्टोन्स का, जो कि कार्बोनेट्स हैं और जो कार्बोनेट्स हैं वो एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट बन जाते हैं, तो आपका जो कार्बोनेट है जो लाइमस्टोन है वो खराब होता जा रहा है। बेटा कोई डाउट यहाँ तक? अच्छा अब इसके बाद थोड़ा सा समझिए, मैंने मेटल ऑक्साइड डिजॉल्व्स इन वाटर इट फॉर्म्स अ अल्कलाइन सॉल्यूशन, ठीक है? मेटल ऑक्साइड्स आर कॉल्ड बेसिस, ये याद रखना आपने, जो मेटल ऑक्साइड्स हैं उनको क्या बोला जाता है? बेस बोला जाता है। सॉल्युबल मेटल ऑक्साइड्स फॉर्म अल्कलीज व्हेन दे डिजॉल्व इन वाटर। तो एक बार याद रखिए, सिंपल सी बात है, जितनी भी अल्कलीज हैं वो सारी की सारी क्या होती हैं? बेस होती हैं। तो अल्कली जो है वो बेस का पार्ट है, पर जो अल्कलीज हैं वो सॉल्युबल होते हैं। भाई बात समझ आ रही है नहीं आ रही? समझा रहा है। तो बाकी के जो बेसिस हैं वो क्या होंगे? इनसॉल्युबल। कोई डाउट यहाँ तक? नो डाउट। ठीक है, तो जैसे आपको एग्जांपल दिया जा रहा है कि सर ये देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है, व्हेन अ मेटल ऑक्साइड डिजॉल्व्स इन वाटर, तो सोडियम ऑक्साइड जो है वो वाटर में डिजॉल्व कर जाता है, इट फॉर्म्स एन अल्कलाइन सॉल्यूशन। तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड जो बनता है ये क्या बनता है? समझा अल्कलाइन। रहा है। नहीं होना, मेटल ऑक्साइड्स आर कॉल्ड बेसिस, ये जो है ये क्या है? ये है बेस। नहीं समझ में नो आया? बेटा बात करो, डाउट। रुको। समझ ओके, तो इसलिए ये लाइन यहाँ लिखी हुई है, सॉल्युबल मेटल बेसिस फॉर्म अल्कलीज व्हेन डिसॉल्व इन वाटर। तो ये जो है ये सॉल्युबल है, फिर जो दूसरे हैं मेटल ऑक्साइड्स आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर, फॉर एग्जांपल आयरन एंड कॉपर ऑक्साइड, ये जो है ये वाटर में सॉल्युबल नहीं है, तो ये जो है ये अल्कलीज नहीं बनाते। नहीं समझा? ओके, आती। तो पहले तो मैं ये समझना था कि सर ये जो अल्कलीज होते हैं वो क्या होते हैं और जो बेसिस होते हैं वो क्या होते हैं। अब ये अगर एक बार अगर आपको समझ आ गया फिर देखिए, फिर वापस चलिए। अब वो क्या कह रहा है कि सर आप क्या कर सकते हैं, एसिड ले लीजिए, एसिड ले लीजिए और उसमें क्या डाल दीजिए? अल्कली। तो वो क्या बना देगा? सॉल्ट। तो उसने नीचे एग्जांपल दिया आपको,
सोडियम हाइड्रोक्साइड अभी हमने बात की है, अल्कली है, ये किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, डिल्यूट एच सी एल के साथ, और क्या बना रहा है, सॉल्ट प्लस वाटर। बेटा समझ आ रहा है? तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो है वो दो तरह के होंगे, एक तो वो बनाएगा एसिड प्लस अल्कली इज इक्वल टू सॉल्ट प्लस वाटर, एक तो जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है वो ये फर्स्ट टाइप है जिसमें आप एसिड का किसके साथ रिएक्शन कर रहे हैं, आप रिएक्शन कर रहे हैं अल्कली का। और दूसरी तरह का जो न्यूट्रलाइजेशन है उसमें आप क्या करते हैं, उसमें आप मेटल ऑक्साइड लेते हैं, उसमें आप क्या करते हैं मेटल ऑक्साइड लेते हैं। जैसे यहाँ पर ये देखिए, इन्होंने यहाँ पर क्या लिया, ये जो है ये क्या है, ये मेटल ऑक्साइड है, और मेटल ऑक्साइड को किसके साथ रिएक्ट कर दिया, एसिड के साथ। तो फिर से वो क्या बनाएगा, सॉल्ट प्लस वाटर। बेटा समझ आ रहा है, नहीं आ रहा? पक्का? यस तभी यहाँ पर आप देखेंगे ना, यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको ये नज़र आएगा कि सर आप इसको, मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ ताकि आपको और क्लियर हो जाए। तो ये टाइप वन है, टाइप वन में आप क्या करेंगे, ये टाइप वन है, टाइप वन में आप एसिड लेंगे, अल्कली के साथ रिएक्ट करेंगे। अल्कली क्या होता है, जो वाटर सॉल्युबल होता है। तो ये है टाइप वन। और टाइप टू जो है वो क्या है, मेटल ऑक्साइड लेंगे, मेटल ऑक्साइड लेंगे और उसको किसके साथ रिएक्ट करेंगे, उसको बेस मेटल ऑक्साइड सॉरी मेटल ऑक्साइड लेंगे, उसको किसके साथ रिएक्ट करेंगे, फिर से मेटल ऑक्साइड को रिएक्ट करेंगे आप एसिड के साथ, जो कि फिर से बनाएगा सॉल्ट प्लस वाटर। भाई समझ आ रहा है, नहीं आ रहा? समझ आ रहा है। मैं ऐसे करके इसको लिख देता हूँ, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो गया, ऐसे करके लिख देता हूँ, एसिड प्लस अल्कली इज इक्वल टू सॉल्ट प्लस वाटर, और यहाँ लिख देता हूँ एसिड प्लस मेटल ऑक्साइड फिर से आपको क्या देगा, सॉल्ट प्लस वाटर। बेटा क्लियर है यहाँ तक? सत्य जी क्लियर? सर वॉइस वाज कट। अभी आवाज आ रही है या अभी भी क्रैक कर रही है? सत्य जी आवाज आ रही है, क्रैक कर रही है? तो बस सत्य यही हम बात कर रहे हैं कि ये जो न्यूट्रलाइजेशन है, दो तरह की न्यूट्रलाइजेशन आप कर सकते हैं। एक तो आप कर सकते हैं किसके साथ, एल्कली के साथ, जो बनाएगा सॉल्ट एंड वाटर, और दूसरा आप कर सकते हैं मेटल ऑक्साइड, जो कि फिर से बनाएगा सॉल्ट एंड वाटर। और आपको बता दिया गया कि सर जो सॉल्युबल मेटल ऑक्साइड है वो बना देती है एल्कली। सो उसमें एग्जांपल आपको दिया गया कि सर जैसे सोडियम ऑक्साइड आपने लिया जिसने बना दिया NaOH, तो फिर आप NaOH को लेते हो और NaOH को एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट प्लस वाटर बना देते हो। और दूसरा जो मेथड है जिसमें क्या होता है, जो मेटल ऑक्साइड है वो सॉल्युबल नहीं है, तो उस केस में क्या किया जाता है, वो मेटल ऑक्साइड को लिया जाता है और मेटल ऑक्साइड को एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या बना दिया जाता है, सॉल्ट प्लस वाटर। यहाँ तक डाउट? नो डाउट सर। ओके, तो यही एग्जाम्पल इन्होंने यहाँ पर लिए जो अभी मैं आपसे बात कर रहा था। एक्चुअली इन्होंने थोड़ा सा गड़बड़ क्या कर दी कि ये जो अल्कली बेसिस की जो डेफिनेशन है ये पहले बतानी चाहिए और ये जो रिएक्शन है ये बाद में बतानी चाहिए। चलिए क्या कर सकते हैं, ठीक है ओके। फिर इन्होंने एग्जाम्पल लेके दिया किसका बना रहे हैं, फॉर्मेशन ये यूज कर रहे हैं NaOH, NaOH मतलब अल्कली, अल्कली को एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे और क्या बनाएंगे, डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्ट किया और आपको क्या बना दिया, सॉल्ट प्लस वाटर। और दूसरा जो आपको करके दिखाएंगे, नहीं किया, नहीं किया, ठीक ठीक है चलेगा, नो प्रॉब्लम ओके। तो मुझे सत्या याद है कि हम पहुंच गए। नेक्स्ट आप ऐसा कीजिए, इसको पढ़ के रखिए, मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें क्या क्या दो प्रिंसिपल्स हैं, बाकी मैं आपको कल बता दूंगा, क्योंकि आज ही अगर मैं बताऊंगा तो कुछ आपके पल्ले नहीं पड़ने वाला। बट नोट, ये नोट कर लीजिए कि इसमें बताना वो क्या क्या चाहते हैं, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। पहला वो आपको जो बताना चाहते हैं, वो बताना चाहते हैं कंजर्वेशन ऑफ मास। दिस इज एन इंपॉर्टेंट आइडिया, नो एलिमेंट दैट इज प्रेजेंट इन द रिएक्टेंट्स डिसअपीयर्स फ्रॉम द प्रोडक्ट, नो न्यू एलिमेंट इज अपीयर्स इन द प्रोडक्ट। कोई बात समझ आई? यस। बेसिकली आपको ये कह रहे हैं कि सर आपने आयरन लिया, सल्फर लिया, तो FeS बन गया, बट जो आइडेंटिटी है वो तो सेम ही रही ना, आयरन और सल्फर ने ये कंपाउंड बना दिया, बट उसमें वो एलिमेंट गायब तो नहीं हो गया ना, नो एटम्स आर लॉस्ट। नहीं समझ में आया? उसी तरह Mg प्लस मेटल प्लस एसिड आपने लिया, MgCl2 प्लस हाइड्रोजन ले लिया, बट अगर आप देखेंगे Mg भी आपको यहाँ नजर आ रहा है, Cl भी आपको यहाँ नजर आ रहा है, और जो H है वो भी नजर आ रहा है। नहीं समझ में आया बेटा? तो इसलिए वो बोल रहा है कि दिस इज एन इंपॉर्टेंट आइडिया, नो एलिमेंट दैट इज प्रेजेंट इन द रिएक्टेंट डिसअपीयर्स, नो न्यू एलिमेंट इज फाउंड। ओके, फिर वो क्या बोलता है, कंजर्वेशन ऑफ मास के बारे में बात करता है। कंजर्वेशन ऑफ मास में ही आपको ये बताने की कोशिश कर रहा है कि सर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है, इन केमिकल रिएक्शन नो द एलिमेंट्स यू बिगिन विद आर द वंस यू एंड विद द रिएक्शन विद, नथिंग इज टेकन अवे, द मास यू बिगिन विद इज द मास यू एंड विद।
कि जो मास है सर वो रिएक्शन में सेम ही रहता है। फिर उसने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं, दो तीन एग्जांपल्स लिए हैं, आप पढ़ के रखिए, कल मैं आपको ये समझा दूंगा। मेरी बात समझ में आई? नमस्कार। और उसके बाद वो एनर्जी की बात करेगा। एनर्जी में बात होगी एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शंस की, और इसके बाद बात होगी, हाँ यहीं तक बात होगी। तो ये जो पोर्शन है ये मैं आपको कल करा दूंगा, और उसके बाद थोड़ा टाइम मिलेगा तो ये शुरू कर देंगे, रेट्स ऑफ रिएक्शन। समझ आ गया? यस सर।